हेलो। हाँ प्रणाम सर। अरे प्रणाम राहुल, कहाँ हो? अरे हाँ सर, आ गए घर। कल शाम को ही सर आपको फोन किया, पर आपने कॉल ही अटेंड नहीं किया। हाँ, वो मैं थोड़ा सा बाहर था। हाँ तो जब आपने कॉल किया उस समय सेंटर पे थे और थके हुए थे काफी, उस समय बात नहीं कर पाए आपसे, तो चलो अभी मैं आए पहुंच जब गया। थोड़ा। हाँ हाँ सर, कल नाइट में ही आए 2 बजे। चलो तो थोड़ा सेंटर के बारे में बताओ, बच्चे बहुत जी ज्यादा परेशान हो जी रहे हैं। हाँ सेंटर कौन सर, सा था तुम्हारा? सेंटर सर मेरा गोरखपुर था। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि फिजिकल क्लियर हो गया ना तुम्हारा? हाँ सर, फिजिकल क्लियर चलो हो गया भाई, सर। इसके बहुत लिए बहुत आपको बधाई। भी बहुत अरे बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि नहीं, आपने तुम्हारी जो वीडियो मेहनत। बनाया सर, हम लोग को बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा जान ली सर। हम शुरू से समझ लीजिए आपको फॉलो करते हैं सर, कम से कम आपका एक भी वीडियो हम छोड़े नहीं होंगे। नहीं, हर बिल्कुल एक बिल्कुल। वीडियो अरे समझ, सर तब फिजिकल से तुम्हें, लेकर सर एडमिट कार्ड से अच्छा लेकर हर वीडियो देखे सर, काफी हम लोगों को सब मोटिवेट हुए समझ लीजिए आपकी वीडियो से। भाई देखो, मैं तो तुम ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना। अब जी सर, जी। तुम्हारे वीडियो का वेट मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि भाई और बच्चों को जानकारी मिले। अच्छा हाँ सर, गोरखपुर सेंटर था सर, और 400 लड़के बुलाए थे 5 तारीख को। 400 लड़के। अच्छा 400 लड़के बुलाए थे, पर 400 प्रेजेंट हुए नहीं, 104 लड़के मात्र आए। हाँ हाँ, वो मैंने बताया था ना कि पहले सर, दिन 300, दूसरे दिन 400, फिर उसके नहीं बाद। सर, नहीं, पहले दिन जो बुलाए थे गोरखपुर में 300 बुलाए थे, हाँ, 300। मात्र 65 से 65 लड़के आए थे। जी, अच्छा, 65 ही पहुंचे? 65, उसमें से 25-30 क्वालिफाई किए हैं सीकर ने। नहीं, वो मैंने मतलब एक नोटिस में बताया हाँ था कि सेंटर पे पहले दिन इतने बच्चे बुलाए जाएंगे, 300, हाँ और दूसरे हाँ दूसरे दिन 400, और चार आप सौ जो है आज 500 आए होंगे, बुलाए हाँ जी सर, गए हैं। आने वाले तो बच्चे कम, बहुत कम पहुंच रहे हैं। हाँ सर, 20%, 15%। अच्छा, कल और कितने उसका सर पहुंचे? रीजन क्या है ना, कि वैकेंसी 2 साल पुरानी है सर, और बहुत से हाँ, बंदों बहुत को से पता बच्चों नहीं को है कि पता नहीं है। भर्ती चल बिल्कुल रही है। और बिल्कुल, सर सही कहा। टाइम बहुत कम मिला है मतलब फिजिकल के लिए, और लड़के छट बहुत तेज रहे हैं, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा रीजन ना पता चलने वाली, पता है, जब हाँ मैंने जानकारी दी ना कि अप्रैल में फिजिकल है, बहुत से बच्चे तो मतलब ये सोच रहे कि चलो आपकी मतलब फिर पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन अब बच्चों ने सर तो रनिंग लगा की ना, तैयारी नहीं क्योंकि करी है। 2 साल पुरानी वैकेंसी कई बार पोस्टपोन्ड हो गया, तुमको लगा कि इस बार भी कैंसिल हो जा होगा नहीं। सेंटर ये बताओ, तुम्हारा जो गोरखपुर वाला सेंटर है, जी सर, ये स्टेशन से कितने दूर पड़ता है तुम्हारा? स्टेशन से सर नियर अबाउट आपका 8 से 10 किलोमीटर है सर। अच्छा, और हाँ बस सर, स्टैंड से? तुम कहाँ से स्टेशन से गए होगे? सर स्टेशन से गए थे तो बस ट्रेन। साधन वगैरह तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ साधन सर, ऑटो मिल जाएगा आपको। चलो, और हाँ सर, एंट्री तुम्हारी कितने बजे हुई थी? एंट्री सर हमारा 6 बजे हो गई थी। अच्छा, और मतलब कितने कितने बच्चे पहुंचे थे तुम बता रहे थे? 100 के सर आसपास? 104 बच्चे सर पहुंचे थे सर। अच्छा, ये बताओ फिर एंट्री के बाद क्या क्या हुआ वहां पे? एंट्री कराए, उसके बाद सबको एडमिट कार्ड लिए, बैठाए आराम से, और वही अपना बैच बनाए 25-25 का, अच्छा, 4 बैच बनाए थे, मतलब किसी में 26 किसी में 25, 4 बैच बना दिए। इसके हाँ, बाद रनिंग करवा दिए, फॉर्म हम नॉर्मली दिए, भरने के बाद रनिंग करवा दिए 25-25 के बैच में, जिसमें से नहीं, एक ये सौ बताओ बायोमेट्रिक वगैरह नहीं हुआ? बायोमेट्रिक सर पहले वो हो गया था, क्या नाम है, एडमिट कार्ड ले लिए, एडमिट कार्ड पे मुहर वगैरह सिग्नेचर कर लिए। इसके बाद बायोमेट्रिक जब लास्ट में रनिंग कराने गए उस टाइम हुआ। अच्छा, ये बताओ मतलब ये डॉक्यूमेंट वगैरह क्या देख रहे हैं? मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं सर, ना आपका निवास लग रहा है, ना आपका आय, ना आपका जाति, ना आपका मार्कशीट, और ना आपका वो क्या नाम है ड्राइविंग लाइसेंस, सिर्फ लग रहा था नॉर्मली आधार कार्ड और एडमिट कार्ड बस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सही, मतलब बिल्कुल ही एकदम बच्चों हाँ सर, मतलब मतलब एडमिट डॉक्यूमेंट में किसी को निकाल डॉक्यूमेंट दिया है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमें लग रहा है सर रिटर्न के बाद जब ट्रेड एग्जाम वगैरह हाँ, होगा या बस मेडिकल, बस उसके बस बाद। ये है कि बच्चों की हाँ अपनी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, अपने हाँ डॉक्यूमेंट पूरे हाँ रखो, नहीं तो आगे आप थोड़ी लेके प्रॉब्लम। जाओ, पर चेक नहीं होगा। हम भी सब लेके गए थे सब कुछ, और कुछ हुआ नहीं। अच्छा, और ये बताओ कि लाइसेंस तो तुम बता रहे हो कि देखा नहीं तो। अच्छा, नहीं सर, नहीं। ये बताओ कुछ कोई लड़के ऐसे भी थे जो 4 को छूट गया और 5 को आए हो? थे? हाँ सर, दो लड़के थे, उनका भी फिजिकल हुआ। हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? ना 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 सर, जा सकते हो आप, मतलब एक आपसे एप्लीकेशन लिखवाएंगे कि रीजन क्या था, किस कारण आप नहीं आए, तो आप अच्छा, दे सकते हो आराम से। मतलब फिजिकल में सर बहुत ही सहूलियत दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रनिंग के समय वो जो चिप वगैरह लगा रहे, नहीं लगा रहे वो? ना 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 सर, हमारे सेंटर जो गोरखपुर सेंटर था, चीप वगैरह कुछ भी नहीं था सर, ना मैट था ना चीप था, मतलब खुद ही काउंटिंग कर रहे हैं क्या? खुद मतलब काउंटिंग कर रहे हैं, बच्चे भी खुद से कर रहे हैं, मतलब हर एक राउंड बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, आपका 15 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, अनाउंस कर रहे हैं अच्छा, ग्राउंड ही है राउंड। ना, तुम्हारा हाँ ग्राउंड ग्राउंड है? ग्राउंड है सर, 400 मीटर का ग्राउंड है, 12 चक्कर लगाना आपको है, चौबीस अच्छा, मिनट पूरा आपको दे रहे हैं सर।
अच्छा, ये 25-25 जो मतलब जितने मतलब चार ग्रुपों में तुम्हें एडजस्ट कर दिया गया। जी जी सर। अच्छा ये बता, एक ग्रुप में कितने बच्चे पास हुए रहेंगे? एक ग्रुप में सर, हमारे ग्रुप में तो 11 11 11 बच्चे सर सटे थे 25 अच्छा, रनिंग में, मतलब तो लगभग इस लगभग वजह से। आधे बच्चे छट जा रहे हैं, हाँ रनिंग कर नहीं हाँ पा रहे ये। हाँ रनिंग मैं बोल रहा हूँ सर ना, कि मतलब 104 में से 50 लड़के छट गए रनिंग अच्छा टोटल 50, ये बिल्कुल ही मतलब टोटल। मुझे लग रहा है ना कि बच्चों ने तैयारी नहीं करी बिल्कुल भी, ना ना सर ना, और 5 किलोमीटर की रनिंग है इस वजह से थोड़ी सी। हाँ थोड़ा धूप है सर, तैयारी नहीं कर पाए, जिनका भी वेट ज्यादा है वो सड़ जा रहा है। ओ तो धूप धूप में वैसे वहां पे सेंटर पे इंतजाम है कुछ पानी वानी मतलब हाँ इसे? हाँ पानी वानी है सब सर, और रनिंग सर बहुत जल्दी हो जा रहा है, मतलब रनिंग आप मान लीजिए नियर अबाउट 8:30-9 तक क्लियर है, 8:30-9 तक, अच्छा, क्योंकि लड़की कम आ रहे हैं, इसीलिए अगर पूरा लड़के आते 400-500 तो 12-1 बज जाता। हाँ बच जाता, वही कल तुमसे बात हुई थी, हाँ मैंने कहा बहुत जल्दी बच्चे निकल गए। तो हाँ अच्छा ये बताओ फिर उसके बाद हाइट वेट वगैरह हुआ तुम्हारा? हाँ सर, मतलब रनिंग करा लिए, उसके बाद रनिंग में जो जो छटे हैं उनको नॉट क्वालिफाई का एडमिट कार्ड देके उनको छोड़ दिए। इसके बाद हम लोग का हाइट, चेस्ट और वेट, तो लड़के उसमें छटे मतलब 104 में से सर 50 छट गए रनिंग में, बचे कितना, 54 लड़के। 54 में से सर 10 लड़के छटे आपका हाइट और चेस्ट में। अच्छा हाइट चेस्ट में भी बाहर हाँ निकल गए। हाँ 44 मतलब 44 लड़के पास हुए, हाँ क्योंकि एक हाइट सौ तो चार में तुम्हारी 44 170 ली जा रही है ना। हाँ 170 ले जा रहे सर, जिसमें से हाइट चेस्ट में तो एक दो सटे हैं, पर हाइट में सर ज्यादा, हाइट में चेस्ट में दो दो तीन तीन बार मौका दे रहे हैं, पर मतलब अगर नहीं फिट है तो फिर बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ ये मतलब बहुत, जिनका ये ये बहुत बोल बढ़िया दीजिए क्वेश्चन सर था। कि 1:69 जिनकी हाइट हो बिल्कुल ना जाए, कोई हाँ नहीं मतलब ये नहीं तो जाने मैंने का, पहले भी बताया, जैसे कई बच्चों ने पूछा था, मैंने कि भाई 1.69 1.69.5 ना से जाए फिर भी आप मत बिल्कुल जाओ। नहीं, पॉइंट भी है तभी नहीं जाए, छाड़ देंगे सीधा। मतलब ठीक है, मतलब अपील करने को दे रहे हैं आप लोग कर सकते हो, हाँ लेकिन जब हाइट ही आप तुम्हारी एक नहीं है बार तब नहीं तीन क्या तीन बार सर मौका दे रहे हैं चेस्ट, बल्कि वो बोल रहे हैं कि आप पुशअप मार के आओ चेस्ट के लिए, पर जिनका नहीं है वो कहाँ से करेगा। कहाँ से करेंगे? सही बात है। और कल तुम्हारी हमारे कितनी हाइट सामने थी? एक लड़के का सर 78 था, पर दो दो तीन तीन बार मौका मिले नहीं हो पाया उसका। अच्छा, 80-85 होनी चाहिए, हाँ 78। हाँ 80-85 ओहो बताओ इतनी सी उसके लिए रह गया बंदा। तुम्हारी कितनी थी हाइट? हमारी सर हाइट थी 1.73 एक और चेस्ट था तिहत्तर सर नॉर्मली 83 सेंटीमीटर और फुला के 89। अच्छा ये बताओ मतलब ऐसा ऐसा कुछ बच्चे ऐसे कंप्लेन तो नहीं कर रहे कि मेरा कम नाप दिया, ये कर दिया, वो कर ना दिया? ना सर बिल्कुल ना सर, हम बता रहे हैं हम 10 भर्ती देख चुके हैं सर, और जिसमें से 3 बार मेडिकल पास किए हैं, मेडिकल छटे हैं, मतलब इतना बढ़िया फिजिकल कभी हमने दिए हैं, मतलब नहीं पूरा हाँ मतलब पारदर्शी बच्चे एकदम, इस बार बोल रहे हैं कि SSB का फिजिकल बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत ही मतलब इजी हो रहा है सर। मतलब हम 2017 में दिए थे ना, बहुत टफ था उस समय, रनिंग 12 बजे पूरा चीप मैट वैट लगा अरे करके बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, एक बच्चों से मौका नहीं, दे रहा था, प्रीवियस के एक जो मौका प्रीवियस के चेस्ट के बच्चे लिए। जो हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि सर ड्राइविंग लाइसेंस में इतने बच्चे छटे छटे थे हमारे, और ये वो है चिप वगैरह सब कुछ। मैंने कहा तो इस बार भी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन इस बार तो ना कुछ ऐसा सर लग ही नहीं रहा। लाइसेंस हमें लग रहा है चेक करेंगे, जब आपका वो आएगा ट्रेड एग्जाम रिटेन के बाद तब चेक हाँ और ये करेंगे। लाइसेंस तो अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कई बच्चों ने जो है हाँ ना ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन अप्लाई के बाद का बना हुआ है। हाँ सर, तो उसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपका फॉर्म भरने के बाद का अगर है लाइसेंस तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे उस समय। कर दिए जाओगे, वही चीजें तो हाँ मैंने बच्चों को ये वो बताई बोल है। रहे हैं। फिर भी मैंने कहा कि भाई आप लोग जाके ट्राई कर सकते हैं, जब लाइसेंस नहीं हाँ लिया आप जाके पता कर सकते हैं, बट मेरी तरफ से तो ये कंफर्म है कि आप नहीं नहीं सर आगे जाके नहीं जाए, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कोई मतलब नहीं है। चलो, और रिटर्न एग्जाम की कुछ अच्छा ये बताओ, प्रूफ प्रूफ दिया कुछ, फिजिकल का कुछ प्रूफ प्रूफ दिया? सर वही पीएचटी का जो है, मतलब पीएचटी में क्वालिफाई करके मोहर मार दिए हैं, अच्छा, बस वही है प्रूफ आपका एडमिट कार्ड, और उसके बाद बोले हैं कि मतलब जून उन तक रिटर्न का है, कुछ क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, मतलब लेकिन पूरा कुछ पूरा चांस है। अप्रैल आपका बोले हैं कि फिजिकल चलेगा, पूरा अच्छा अप्रैल फिजिकल चलेगा, और मई लास्ट वगैरह तो मतलब रिटर्न का है, पर अभी क्लियर नहीं है कुछ, करेंगे इंटरनेट पर आप लोग देखते रहना, हाँ क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल क्लियर, जाएगा वहीं से। हाँ चलो ठीक है, रिटेन का तो पता चलता रहेगा, बाकी तो चलो हाँ बहुत अच्छी जानकारी दे दूंगा, कम से कम गोरखपुर सेंटर और की मतलब सर पता चल गोरखपुर के सेंटर बढ़िया सर सेंटर, अदरवाइज जो लड़के और मिले थे दिल्ली विल्ली के तो जाए। बोलेंगे एग्जाम एग्जाम मतलब फिजिकल बहुत अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसी 2 साल पुरानी है, बहुत से बच्चे जो छोड़ दिए थे तैयारी उनके लिए प्रॉब्लम है। उनके लिए प्रॉब्लम है जो हाँ इस रनिंग बार ज्यादा छोड़ रहे गर्मी हैं। बहुत ज्यादा है सर, और रनिंग और 8:30 बजे हो रही है ना, तो उसमें भी हालत जो मतलब प्रैक्टिस किए हैं उन्हीं के लिए बढ़िया है। हम लोग सर जो घर पे किए थे 23 मिनट लगा था, वहाँ पे 22 ही मार दिए। चलो ये तो बढ़िया है फिर हाँ तो। सर रिटर्न के लिए तैयारी है, इस बार सर जी इस पार या उस पार कर देना, लास्ट होती है हमारी। चलो बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ में है तुम्हारे, घबराओ मत, अरे ठीक है, तैयारी सर करो, कोई आपका दिक्कत हो सर तो बहुत जरूर एहसान है फोन। सर, आप समझ लीजिए बहुत मोटिवेट किए आप हम अरे लोग नहीं कोई ऐसी दिक्कत को। नहीं,
चलो राहुल, आपका वीडियो बहुत सर अच्छा बहुत लगा, ठीक है सर, ठीक है बाद सर, में बात प्रणाम, करते हैं, ठीक है। ठीक है।